खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक घटना हो या दुर्घटना, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, बातें होगी आपके शहर की, उत्तर प्रदेश की हर खबर से यूपी जंक्शन। यूपी न्यूज जंक्शन की खबर का हुआ बड़ा असर। आपको बता दें, पिछले दिनों एक मुस्लिम महिला ने एक तहरीर मुरादाबाद पुलिस को सौंपी थी, जिसमें साफ लिखा था कि मेरे शौहर ने मुझे यूं तलाक दे दिया कि मैं योगी को समर्थन करती हूं और बीजेपी को वोट करती हूं। इसको लेकर उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया है, जिसको लेकर मुस्लिम महिला लगातार कार्रवाई के लिए कभी कहीं तो कभी कहीं दर दर भटक रही थी। यूपी न्यूज जंक्शन ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करा था, जिसको मुरादाबाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पति नदीम सहित घर के 8 सदस्यों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता ने बात करते हुए कहा कि मुरादाबाद पुलिस ने मेरा बहुत सपोर्ट किया व योगी मोदी ने भी मेरी मदद की। योगी मोदी सहित उन्होंने हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद तिवारी का भी आभार व्यक्त किया, कहा कि इस मुश्किल घड़ी में एक हिंदू व्यक्ति ने मेरा सपोर्ट करा, जिससे मुझे न्याय मिल पाया। आरोपी नदीम फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। देखें यूपी न्यूज जंक्शन की बड़ी खबर। मेरी नंदू ने मेरे साथ बहुत ख़राब व्यवहार किया। व्यवहार करने के बाद हर मेरी मारपीट की, मेरे साथ मारपीट करती थी और मेरे घर के दिए हुए दान दहेज से वो लोग बिल्कुल खुश नहीं थी। और इनका भाई मुझसे ये कहता था कि आज अपने घर से 10 लाख लेकर आ, आज 15 लाख रुपए लेकर आ। इससे संबंधित मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने ये किया, एक दिन मेरे जेठ मेरे कमरे में आए और मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, मेरे साथ बुरी नियत से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने एकदम शोर मचा दिया, तो उस पर नदीम आए, तो नदीम बोले कि तुम यहाँ रहना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। उनकी बहनें भी आ गईं और उन्होंने कहा इसे तलाक दे दे। तो मैंने कहा ये मुझे तलाक नहीं दे सकते, मैं योगी जी की, जब तक योगी जी का राज है ये मुझे तलाक नहीं दे सकते, मैं योगी जी का समर्थन करती हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे 3 तलाक 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 कहकर ये बोला, देख लेंगे योगी मोदी कौन है। अब क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? आज मैंने अपनी FIR दर्ज करवाई है। क्या कहेंगे योगी जी? योगी जी ने मोदी जी ने मेरा बहुत साथ दिया, यूपी पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया, प्रमोद तिवारी जी ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने एक दो मुस्लिम बेटी का साथ दिया है। योगी जी ने, मोदी जी ने मेरी मुस्लिम बेटी का साथ दिया है। मैं न्याय चाहती हूँ। गिरफ्तारी हो चुकी है सर, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? क्या मामला? थाना कोतवाली में एक महिला के द्वारा अपने ससुराल के लोगों के द्वारा और पति के द्वारा जो किया जा रहा था, उसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उस प्रार्थना पत्र पर अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसकी विवेचना हो रही है।